नमस्ते, आज का टॉपिक है बैंकिंग और साख। मित्रों, मुद्रा और बैंकिंग साथ साथ चलते हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मुद्रा का अध्ययन करने के पश्चात हमें बैंकिंग का भी अध्ययन करना चाहिए। आधुनिक समाज में बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। ध्यान दो, जब समाज में मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लाभों का अनुभव किया तो उसने मुद्रा को एक सुरक्षित स्थान पर संचय करने की आवश्यकता का भी अनुभव किया। अंत में यह सुरक्षित स्थान समय के साथ बैंक के रूप में विकसित हुआ, जो विभिन्न प्रकार से मुद्रा में व्यवहार करता है। लोग बैंक में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जाते हैं, जैसे अपनी अधिशेष मुद्रा जमा करने, नगद मुद्रा में भुगतान करने के लिए, अपने खाते से मुद्रा निकालने के लिए, ऋण लेने के लिए आदि। अर्थव्यवस्था में बैंक उत्पादन, वितरण और व्यावसायिक गतिविधियों को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक और बैंकिंग का अर्थ। बैंक एक संस्था है जो जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण देती है। बैंकिंग से अभिप्राय लोगों को ऋण देने या निवेश करने के लिए जमा स्वीकार करना है, जिसका मांगने पर भुगतान किया जा सकता है, जिसे चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य प्रकार से निकाला जा सकता है। बैंक के कार्य। ऊपर दिए गए अर्थ से किसी बैंक के कार्यों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित हैं: जनता से जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना। कुछ बैंकों लोगों के चित्र यहाँ पर हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक। जनता से जमा स्वीकार करना। बैंक जनता से मुद्रा के रूप में जमा स्वीकार करता है, जिसमें व्यक्ति, समूह और व्यवसायिक फर्म आदि शामिल है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति बैंक में मुद्रा जमा करना चाहता है तो बैंक जमाकर्ता के नाम में खाता खोलकर जमा स्वीकार करता है। बैंक जमाकर्ता को एक खाता संख्या देता है। जब भी जमाकर्ता दोबारा मुद्रा जमा करना चाहता है, उसे खाता संख्या का उल्लेख करना पड़ता है, जिससे कि बैंक उस खाते में मुद्रा रख सके। यदि जमाकर्ता अपने खाते से मुद्रा निकलवाता है तो बैंक जमाकर्ता के खाते से मुद्रा की कटौती कर देता है। दूसरी ओर, जनता की कुछ प्रकार की जमाओं पर बैंक ब्याज देता है। ध्यान दें कि बैंक जमाकर्ताओं को चेक बुक देता है। जमाकर्ताओं के द्वारा चेकों का प्रयोग बैंक से मुद्रा निकालने और किसी पक्ष की बैंक के माध्यम से भुगतान करने के लिए किया जाता है। ऋण देना। बैंक उन लोगों को ऋण देता है जो ऋण लेना चाहते हैं और जिनकी भविष्य में उस ऋण की वापसी भुगतान करने की क्षमता है। इससे क्या तात्पर्य है? इसके लिए सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि लोग ऋण क्यों लेते हैं। लोग मुद्रा उधार लेते हैं जब वे आज कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास वर्तमान में पर्याप्त मुद्रा नहीं है, किंतु उनके पास भविष्य में मुद्रा की वापसी करने की क्षमता है। वस्तुएं जैसे टेलीविजन, फ्रिज, कपड़े, बुने की मशीन, कार आदि महंगी वस्तुएं हैं। इसी प्रकार मकान बनाने या क्रय करने में बहुत अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। इन सभी वस्तुओं के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक व्यवसाय आरंभ करने के लिए भी ऋण देता है। कीमती सामान रखना।
बैंक द्वारा एक और कार्य संपन्न किया जाता है। बैंक लोगों की महंगी वस्तुएं भी रखता है, जैसे आभूषण, संपत्ति के दस्तावेज आदि। आमतौर पर लोग अपनी महंगी वस्तुएं सुरक्षित अभिरक्षा में रखना चाहते हैं, जिसे बैंक लॉकर सुविधा के रूप में उपलब्ध कराते हैं। साख का अर्थ, साख को भुगतान प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब एक बैंक लोगों को ऋण देता है तो वह एक ऋणदाता बन जाता है, और वह व्यक्ति जो बैंक से ऋण लेता है ऋणी कहलाता है। जब बैंक आज ऋण देता है तो वह भविष्य में उस व्यक्ति से ऋण वसूल करने का प्रबंध भी कर लेता है। इसका अभिप्राय यह है कि बैंक भविष्य में ऋणी से मुद्रा के लिए दावा कर सकता है। इसी के अनुसार बैंक अपनी जमाओं में विस्तार करने में समर्थ होता है। इसे बैंक द्वारा साख का सृजन कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साख का सृजन ऋण देना और ऋण लेने के कार्य द्वारा होता है। साख सृजन की प्रक्रिया। अब प्रश्न उठता है कि बैंक साख का सृजन कैसे करता है। अन्य शब्दों में, बैंक दूसरों को ऋण देने के लिए मुद्रा का प्रबंध कहाँ से करता है, और यह ऋण या साख का सृजन कितनी मात्रा में कर सकता है। हम इसका उत्तर नीचे दे रहे हैं। हम जानते हैं कि बैंक जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करता है। सामान्य रूप से ये जमा जनता को वापस करनी पड़ती है यदि वह उन्हें निकलवाना चाहती है। यदि सभी व्यक्ति जिन्होंने बैंक में मुद्रा जमा की अपनी सारी मुद्रा निकलवा देते हैं तो बैंक के पास कोई मुद्रा नहीं बचेगी, किंतु सामान्य रूप से ऐसा नहीं। सामान्य अनुभव से यह देखा गया है कि एक बार कोई व्यक्ति बैंक में मुद्रा जमा करता है तो उसे तुरंत नहीं निकालता है। अधिकतर लोग अपनी जमा में से थोड़ी मात्रा निकालते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है, और शेष राशि बैंक के पास छोड़ देते हैं। इसे संभव बनाने के लिए बैंक अपनी जमा राशि का एक अंश नकद रखता है, जिसमें से वह उन लोगों को मुद्रा देता रहता है जो इसे निकलवाने के लिए आते हैं। जमा राशि का यह अंश प्रतिशत के रूप में होता है। कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखा जाता है, इसका निर्णय देश के बैंकिंग प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है। नगद की मात्रा उन लोगों को देने के लिए सुरक्षित रखी जाती है जो बैंक में मुद्रा निकलवाने के लिए आते हैं। कुल जमा राशि का जो अंश नगद के रूप में रखा जाता है उसे हम नगद आरक्षण अनुपात कहते हैं। एक बार बैंक नगद आरक्षण अनुपात के आधार पर बैंक में नगद रखी जाने वाली राशि की गणना करता है। वह इस राशि को कुल जमा राशि में से घटा देता है और शेष राशि का प्रयोग ऋण लेने वाले को ऋण देने के लिए करता है। बैंक के इस कार्य से साख सृजन का कार्य आरम्भ होता है। आइए निम्न उदाहरण की सहायता से साख सृजन की प्रक्रिया का चरणबद्ध वर्णन करें। सुविधा के लिए हम यह कल्पना करते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल एक बैंक है। मान ले बैंकों के प्राधिकरण ने नगद आरक्षण अनुपात 20% निर्धारित किया है, इसलिए बैंक को उन लोगों को नगद भुगतान करने के लिए जो मुद्रा निकलवाने के लिए आते हैं वर्तमान जमा राशि का 20% नगद रूप में रखना चाहिए। चरण 1, ए नाम का एक व्यक्ति बैंक में 100 रुपया जमा करता है, जिससे बैंक की जमा राशि में 100 रुपया की वृद्धि हो जाती है। नियम के अनुसार बैंक 100 रुपया का 20% नगद रखेगा, यह 20 रुपया होता है, इसलिए बैंक नगद भुगतान के लिए 20 रुपया रखेगा। अतः 100 में से 20 घटाओ 80 रुपया, इसलिए बैंक 80 रुपया का ऋण लेने के लिए प्रयोग कर सकता है। चरण 2, बी नाम का एक व्यक्ति बैंक में 80 रुपया ऋण लेने के लिए आता है, बैंक यह ऋण देने के पश्चात 20 से भविष्य में इस मुद्रा की राशि का दावा कर सकता है।
इसका तात्पर्य यह है कि बी को ऋण देकर बैंक 80 रुपया की दूसरी जमा का सृजन कर सकता है। अब बैंक के पास कुल जमा की गणना कीजिए। प्रथम व्यक्ति ए ने 100 रुपया जमा किए। बी को ऋण देकर बैंक 80 रुपया का दावा कर सकता है। इसे दो चरणों के पश्चात बैंक की कुल जमा राशि 180 रुपया हो जाती है, अर्थात 100 प्लस 80 180 रुपया। चरण तीन, सी नाम का एक अन्य व्यक्ति बैंक से ऋण लेना चाहता है। बैंक सी को ऋण के रूप में मुद्रा की कितनी राशि दे सकता है? इससे पहले चरण में हमने देखा कि बैंक बी से मुद्रा का दावा करके 80 रुपया जमा के रूप में बढ़ा सका। नियम के अनुसार इसे 80 रुपया का 20% किसी को ऋण देने से पहले नगद के रूप में रखना पड़ता है। 80 रुपया का 20% 16 रुपया है, इसलिए बैंक अब 16 रुपया नगद रखकर शेष राशि को ऋण के रूप में देता है। 80 घटाव 16 = 64 रुपया। इस प्रकार बैंक सी को 64 रुपया ऋण के रूप में दे सकता है। दोबारा इस राशि का सी से दावा करने पर बैंक तीसरे ऋण चरण में 64 रुपया का जमा कर और सीजन कर सकता है। पिछले दो चरणों को जारी रखते हुए हम कह सकते हैं कि तीन चरणों के पश्चात बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर 180 + 64 = 244 रुपया या 100 + 80 + 64 = 244 रुपया हो गई। यह श्रृंखला कुछ समय तक चलती रहेगी, किंतु उसका अंत कब होगा? आप जानते हैं कि प्रत्येक चक्र में बैंक जमा में वृद्धि का 20% नगद के रूप में रखता है। आप यह भी जानते हैं कि बैंक ने पहले चरण में अपनी जमा के 100 रुपया की वृद्धि से आरंभ किया था, इसलिए साख सृजन की प्रक्रिया या जमा में वृद्धि समाप्त हो जाएगी जब प्रत्येक दौर की जमा का 20% मिलाकर 100 रुपया हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि किस राशि का 20% 100 रुपया है? उत्तर है कि 500 का 20% 100 होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे वर्तमान उदाहरण में बैंक की आरंभिक जमा में 100 रुपया की वृद्धि और नगद आरक्षण अनुपात 20% होने पर कुल साख का सृजन 500 रुपया होगा। ये तीनों परस्पर संबंधित है। आप जानते हैं कि 20% 20/100 = 1/5 या 500 = 100 × 1/20 + 100 × 1/5 = 100 × 5। इसके अनुसार हम साख सृजन का निम्न सूत्र देख सकते हैं। कुल साख बराबर जमा में आरंभिक वृद्धि गुना 1/ नगद आरक्षण अनुपात। 500 = 100 × 1/20%। एक और मुख्य बात यह ध्यान रखें, क्योंकि बैंक जमा राशि 20% नगद का शेष विभिन्न चरणों में ऋण के रूप में बांट दी जाती है। 500 रुपया की कुल जमा निम्न प्रकार से बांटी जा सकती है। नगद आरक्षण 500 रुपया का 20% 100 रुपया, ऋण की राशि 500 - 100 = 400 रुपया। अब हम साख सृजन के विभिन्न चरणों चक्रों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कर सकते हैं। चरण वन, जमा में वृद्धि 100 रुपया, नगद आरक्षण 20, ऋण 80 रुपया। चरण दो, जमा में वृद्धि 80, नगद आरक्षण 16, ऋण 64। चरण तीन, जमा में वृद्धि 64, नगद आरक्षण 12.8, ऋण 51.2। चौथा, जमा में वृद्धि 51.2, नगद आरक्षण 10.24, ऋण 40.96। पांचवा चरण, जमा में वृद्धि 40.96, नगद आरक्षण 8.19, ऋण 32.77। कुल 500 100, कुल जमा में वृद्धि 500 रुपया, नगद आरक्षण 100 रुपया, ऋण 400। अंत में ध्यान रखें कि साख सृजन की प्रक्रिया में दो प्रकार की जमा का लेखा किया जाता है। पहली आरंभिक जमा कहलाती है। आरंभिक जमा बैंक जमा में
आरंभिक वृद्धि है जो कि बैंक जनता से नई जमा के रूप में प्राप्त करता है। हमारे उपरोक्त उदाहरण में आरंभिक जमा 100 रुपया है जो व्यक्ति ए द्वारा आरंभ में जमा किए गए। दूसरी प्रकार की जमा की द्वितीयक जमा कहते हैं। बैंक द्वारा दिए गए ऋण के कारण प्रत्येक चक्र में जमा का सृजन द्वितीयक जमा कहलाती है। साख का सृजन द्वितीयक जमा में वृद्धि के कारण होता है। बैंक की साख सृजन क्षमता क्या है? किसी बैंक की साख सृजन क्षमता नगद आरक्षण अनुपात पर निर्भर करती है। यदि नगद आरक्षण अनुपात अधिक है तो बैंक को जनता को भुगतान करने के लिए नगद राशि अधिक रखनी पड़ती है और उसी के अनुसार ऋण देने के लिए कम राशि उपलब्ध होगी, इसलिए साख का सृजन कम होगा। साख का सृजन अधिक होगा यदि नगद आरक्षण अनुपात कम है। हमारे उपर्युक्त उदाहरण में कुल साख 500 रुपया थी जबकि नगद आरक्षण अनुपात 20% और जमा में आरंभिक वृद्धि 100 रुपया। अब नगद आरक्षण अनुपात घटकर 10% होने पर कुल साख होगी 100 × 1/10 बराबर 100 × 1/10 × 100 बराबर 100 × 10 बराबर 1000 रुपये का। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक देश में बैंकिंग व्यवस्था का शिखर है। इसका तात्पर्य यह है कि और सभी बैंक जैसे व्यवसायिक या सहकारी या विकास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों का पालन करते हैं। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य करेंसी नोट जारी करना है। विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य वाली कागजी मुद्रा जैसे 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। इन करेंसी नोटों पर आप भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर देख सकते हैं। गवर्नर के हस्ताक्षर वाला करेंसी नोट सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है जिससे कि इसे वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय के लिए प्रयोग किया जा सके। 1 रुपये के नोट और सिक्के तथा 1 रुपये से कम के सिक्के वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत रिजर्व बैंक का एक अन्य कार्य यह है कि यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है तथा अपनी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करती है। व्यावसायिक बैंक। अभी हम साख सृजन की चर्चा कर रहे थे। बैंक जिसके विषय में हम बात कर रहे थे वास्तव में एक व्यावसायिक बैंक था। बैंक के कार्य जिनका हमने पहले अध्ययन किया वे भी व्यावसायिक बैंक के कार्य हैं। कुछ व्यावसायिक बैंक ऐसे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में है। धान के लिए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। कुछ अन्य व्यावसायिक बैंक है जो निजी क्षेत्र में है जैसे ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक आदि। ये बैंक निजी तौर पर चलाए जाते हैं। व्यावसायिक बैंकों का उद्देश्य ऋण पर ब्याज लेकर बहुत सी सेवाओं जैसे ड्राफ्ट जारी करना, मुद्रा या हस्तांतरण करना आदि की फीस वसूल करके लाभ कमाना होता है। सरकारी बैंक। भारत में बहुत से ऐसे बैंक हैं जो सरकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं और जिस राज्य में वे चल रहे हैं उसके राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। ऐसे बैंक दो प्रकार के होते हैं, कृषि या ग्रामीण बैंक और गैर कृषि या शहरी बैंक। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक कृषि, पशुओं, मछली पालन आदि के लिए साख उपलब्ध कराते हैं। शहरी क्षेत्रों में सहकारी बैंक स्वरोजगार की गतिविधियों, लघु उद्योगों, टिकाऊ वस्तुओं जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि खरीदने के लिए और व्यक्तिगत वित्त के लिए साख उपलब्ध कराते हैं। सहकारी बैंकों के उदाहरण हैं राज्य सहकारी बैंक, कृषि सहकारी समितियां, शहरी सहकारी बैंक,
भूमि विकास बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। इन बैंकों के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में किन भिन्न नाम हो सकते हैं। विकास बैंक देश के आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए उद्योगों और आधारिक संरचना में निवेश करने की आवश्यकता होती है। इसे संभव बनाने के लिए भारत में विकास बैंक है। ये बैंक लंबी अवधि के लिए निजी व्यवसायिक कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या आधारिक संरचना का निर्माण करना चाहते हैं उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं। विकास बैंकों के कुछ उदाहरण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगम है। बैंकिंग और साख का पाठ पूरा हुआ।